की सवारी है गुरु, यम धर्मराज, उनकी सवारी है भैंसा, गणपति जी, उनकी सवारी है चूहा। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु को गरुड़ ही पसंद है, धर्मराज को भैंसा पसंद है। ऐसा नहीं है, तू बोल। उन दिनों मास्टर का और मर्जी का यार हाथ मिला। चाची, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी चलो, पूजा का समय हो रहा है, चलो। एक मिनट, क्यों बेवकूफ बनाती हो? वहाँ मेरा बेटा भी आएगा, उसको तुम्हें मिलना है, ये क्यों नहीं बोलती? क्या करूँ चाची, मैं तो उसे रोज रोज देखती रहती हूँ, फिर भी उसे हर पल देखने का मन करता है। क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। आओ पार्वती बहन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पूजा शुरू होने वाली है ना। गुरुजी आ गए। नमस्कार गुरुजी। पार्वती बहन, राजा नहीं आया? कहीं बाहर गया है। दे दो बेटी। कैलाश के लिए शिव भगवान, वैसे इस बस्ती के लिए आप। पहला नारियल आप ही तोड़िए। मैं इस बस्ती का बड़ा आदमी हूँ, लेकिन इस बस्ती में बड़ा दिल वाला कोई और है, वही पहला नारियल तोड़े। वो कौन है? नहीं जानते? बस्ती की शान, अपना राजा। गुरुजी, गुरुजी, क्या है बेटे? जरा आइए ना, एक मिनट। बोलो बेटे। आइए ना, बताता हूँ। अरे एक मिनट, एक मिनट। अरे प्रणाम। उठो उठो। बात क्या है बेटे? आज मेरा जन्मदिन है। 100 साल जियो बेटे। मंदिर हुआ है? मंदिर में ही तो खड़ा हूँ, आप ही तो मेरे भगवान है। मैं भगवान नहीं तो और क्या गुरुजी? मेरे बाबा के गुजरने के बाद आप ही ने परवरिश की, ड्राइविंग सिखाई, ऑटो दिलवाया। उस भगवान की पूजा करने से आशीर्वाद ही मिलता ना, और क्या। ज्यादा मस्का मत लगाना बाबा को। सीता, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। हाँ। अच्छा बोला गुरुजी, मैं आपकी बेटी की शादी करवाऊंगा, सारा खर्चा उठवाऊंगा, ये कहा था ना। तो मुकर कौन रहा है? हा? तो फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? आज तक खोजा तुमने? बात चलाई कहीं? किसी से बात की? मैं ससुराल पहुँचते ही सास ससुर को प्रणाम करके हनीमून के लिए निकल जाऊंगी, ऐसा सपना देखा था। सुना गुरुजी, ये कैसे बिना शर्माए बात कर रही है? मदद करने वालों से क्या शर्माना भला, और वो भी जब राजा मदद करे तो उसे शर्माना नहीं चाहिए। क्या बोली? क्योंकि राजा यानी हेल्प यानी राजा। हैप्पी बर्थडे। माँ, 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 क्या है? क्या लाया हूँ बताओ जरा। मारुति कार। मजाक उड़ाती हो माँ, जरा मीटर का रेट बढ़ने दो तो खरीद लूंगा। अभी ये साड़ी लो। साड़ी बहुत अच्छी है, इसके लिए। ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे लिए और क्या। मेरे लिए? क्यों ऐसी बोल रही हो जैसे बूढ़ी हो गई हो? क्यों, मैं अभी बच्ची हूँ क्या? सुनो, मेरे बाल बच्चे होने तक तुम बच्ची ही बनी रहो, ठीक है? चलो ये पहन लो। ठीक है। हाँ, क्यों आज तुमने बिंदी नहीं लगाई? हाँ, बिंदी लगाना गलत होगा। ओहो, तुम्हारे सुने माथे को देखकर ऐसे लगता है जैसे ऑटो में पेट्रोल खत्म हो गया हो। चलो बिंदी लगाओ, चलो ये लो, मैं नहा के आता हूँ। अरे उनके गुजरे 20 बरस हो गए, अब मैं 16 सिंगार करूँ तो लोग क्या कहेंगे? बाबा के गुजरे 20 बरस हुए हो या 50 बरस, वो समाज के लिए है, समझी? हमारे मन में बाबा अभी भी जिंदा है। तुम बिंदी लगाओगी तभी मैं नहाऊंगा। जाओ नहा लो। चाची, कैसे आना हुआ? बाहर ऑटो खड़ी थी, उसे देखकर आ गई। वाह चाची, नई साड़ी खरीदी? मेरा बेटा लाया। साड़ी बहुत अच्छी है चाची। अच्छी है? तुम्हारे बेटे लगाए ना, तो ले लो, पहन लो। सच में? लेकिन मेरे बेटे को नहीं, साड़ी को। ओके, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, बाद में उसे भी ले लूंगी। हैं? ये साड़ी तुमने पहन ली? चाची मेरी अच्छी लगती हो ना? भूतनी लगती हो, पहले उतारो। क्यों उतारो? अरे ये मेरी माँ की साड़ी है। तुम्हारी माँ ने दिया मुझे? उन्होंने दी तो तुम्हें पहनते हुए लाज नहीं है? साड़ी उतारने में लाज आएगी, लेकिन पहनने में क्यों लाज आएगी बोलो? अरे तुम में लाज कहाँ है? यानी मुझ में लाज नहीं? लाज होती तो साड़ी पहन ली, चलो उतार। मुझे छेड़ा तो मैं चाची से कह दूंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हाँ कह दे, मैं नहीं रहता। क्यों चिल्ला रही हो? क्या शोर मचा रखा है? देखो माँ, इसने तुम्हारी साड़ी क्यों पहन ली? साड़ी के पीछे पड़ गई, इसलिए मैंने दे दी। तो फिर किसी औरत को दे देती, इसकी शक्ल देखिए। यानी मैं औरत नहीं हूँ क्या?
इसमें क्या शक है? चाची, वो नादान है, वो क्या जाने तो औरत या नहीं, लेकिन तू बुरा मत मानना। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ज्यादा भाव मत खाओ। इतना समझ लो, तुम्हारी सूरत देखकर आसमान से परियां नहीं उतरने वाली, किस्मत से मैं ही तुम्हारी बनूंगी। ए, मेरे और मेरे ऑटो की बात छोड़, मेरे पीछे तो मिस इंडिया भी आएगी। सॉरी बॉस। इस साल मिस इंडिया ब्यूटी कॉम्पिटिशन में भाग लेने आई लड़कियों को आपने देखा, अब आ रही है मिस रानी फ्रॉम हैदराबाद। क्यों करो? किस पर सर? उस खूबसूरत लड़की पर। लेकिन आपको कौन सी लड़की खूबसूरत लगी इसका पता मुझे कैसे चलेगा सर? अरे वो ब्लू ड्रेस वाली। ब्लू देखते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है सर। मेरा मजाक उड़ाता है। हेलो या कोरिया का कैमरा है? एडवांस टेक्नोलॉजी। आई सी। या ये क्या है? रिकॉर्डर। रिकॉर्डर या सोनी का है या पैनासोनिक का है? बहुत खूब, बहुत अच्छा है, लेकिन फोटो तो आएगा ना? कल भी टीवी में देख लेना रिकॉर्डिंग कैसी हुई है, पेपर बी का बम कैसे गिरा है। आई से कैरी ऑन। या अब मुख्य जज मिस्टर सोनी जी इन तीनों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है? तुम्हारा कैसा है? बहुत खूब। अच्छा केबल निकाल दिया, नहीं बड़ा सन्नाटा आएगा। आई रिक्वेस्ट दिस फेम नाम मिस प्रीति, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड अनाउंस द मिस इंडिया रिजल्ट। कैसा है तुम्हारा न्यू टेक्नोलॉजी? मेरे पास तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। कैसेट के बिना रिकॉर्डिंग होगा क्या? कैसेट होते हुए भी तुम्हारे कैमरे से रिकॉर्डिंग हुई है क्या? हमारा केबल निकाला तुमने? तुमने मेरा कैसेट निकाला, मैंने तुम्हारा केबल निकाल दिया। कैसा रहा तुम्हारे एटी पर मेरे बीटीवी का जवाब? तुम्हारी बीवी मिस इंडिया होते हुए भी दरिद्री होगी। तुमने भी कवरेज नहीं किया, मैंने भी कवरेज नहीं किया, क्या होगा हमारे टीवी का? द विनर इज मिस रानी फ्रॉम हैदराबाद। कंग्रेचुलेशंस मिस रानी। चलिए हटिए हटिए प्लीज हटिए, जगा दीजिए। चलिए अरे हटो यार। हाय सूर्या। हाय, आई एम सूर्या। हाय, आई एम रानी। यहाँ जितने भी होटल्स बिल्डिंग्स हैं वो सब मेरे हैं। सूर्या मैं सब बता चुका हूँ। ओह थैंक यू। जिस दिन आपकी तस्वीर मैंने मैगजीन में देखी उसी दिन से आपसे मिलने के लिए बेकरार। थैंक्स। इनफैक्ट मैंने तो उसी वक्त आपसे विवाह करने का फैसला कर लिया। मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं। आप सोचिए, रात भर सोचिए, सुबह फोन कर दीजिएगा। बंगला टूर्स, माय इम्पोर्टर, पेंस कार, सेलुलर सब आपकी राह देख रहे हैं। नाम मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट, आई लव यू। मुझे कुछ लोगों से मिलना है। प्लीज लेट्स हैव समथिंग टू ईट। प्लीज समदर ट्राई। प्लीज रानी। चलिए ना, बाय। ओके बाय। बंसी, हवा निकल गई क्या? अरे राजा तुम मैडम को फंक्शन जल्दी पहुंचना, ले जाओगे? कहाँ? रविंद्र भारती। तेरी मालकिन है क्या? हाँ। भेजो। ऑटो वाले से बात की मैडम। ऑटो में? मेरा पहचान वाला है, फिक्र मत कीजिए। कहाँ जा रहे हो? अरे ये इधर कहाँ ले जा रहे हो? शॉर्टकट। शॉर्टकट क्यों, ऐसे क्यों घूर रही हो? यहाँ कोई नहीं है, शांत इलाका है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे कुमारी, ये क्या हो रहा है? क्या है? रिजर्व। अभी कल ही तो पेट्रोल डलाया था,
इतनी जल्दी रिजर्व बोल रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें आजकल बहुत प्यास लग रही है, ओवरऑलिंग कराऊंगा। हाँ एक्सक्यूज मी, ये सब बातें तुम किससे कह रहे हो? कुमारी से। कुमारी? मेरी ऑटो। जो कुछ तुमने कहा ये समझ जाएगी क्या? ये क्या, जो हम नहीं समझते ये सब समझ लेती है। हाँ बस यही रुको। कैसा रहा सब? थैंक यू। ये लो। थैंक यू। हेलो। ओ हेलो 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 क्या कहा है? वो लड़की, तुम अंदर नहीं जा सकते। नहीं नहीं उस लड़की को। Only invited are allowed here. Get away. Get away from here. क्या क्या? Don't you understand? क्या क्या तुम समझते हो मुझे इंग्लिश नहीं आती? हाँ मैंने इंग्लिश बोला तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। I run English, I walk English, I laugh English, I fight English. Jurassic Park, Enter the Dragon, Bruce Lee, Jackie Chan. और सुनो, Good morning, Good day, Good evening, Good afternoon. Yes, miss. बाप रे बाप, इतना बड़ा घर, इसमें तो पूरा चार मीनार आ जाएगा। कैसे आना हुआ? परसों आपको रविंद्र भारती पहुंचाया था ना, मीटर पे होते 25 रुपए, आपने दिए थे 100। वो तो मैंने खुशी से दिया था। अरे बाप रे, ऐसा नहीं होगा। पेट्रोल के हिसाब से तेल, मीटर के हिसाब से पैसे, ले लीजिए। यही मेरी नीति है, मैं किसी का मारता नहीं और अपना किसी पे छोड़ता नहीं। समझे राजा? यहाँ कैसे? मैडम के बाकी पैसे लौटाने आया था। हाँ शाम को आ रहा है ना? इसके लिए जरूर आऊंगा। हाँ इंतजार करूंगा। बाय रविंद्र भारती। ओके। कई ऑटो ड्राइवर मीटर से ज्यादा पैसे की उम्मीद करते हैं और ये खुशी से दिए पैसे भी नहीं लेता। यही तो है चार मीनार वाला राजा, भले इंसानों का गुलाम है, बड़ा दिल वाला है, दौलत का भूखा नहीं है, उसके लिए रुपए की कोई कीमत नहीं, अमीर हो या गरीब सबकी हेल्प करता रहता है वो। कहाँ जाना आपको? मैटरनिटी हॉस्पिटल जाना है, पहुँचा दो बस के इंतजार में। डिलीवरी यही हो जाएगी। अरे राजा यानी हेल्प, हेल्प यानी राजा, ऊपर से गर्भवती औरत, फ्री ऑटो सर्विस, आइए ना। थैंक यू बाबू, राजस्थानी औरतों को हैदराबाद वाले बड़ा मान देते हैं, साबित कर दिया। जल्दी पहुंचाऊंगा, आइए ना। मगर मेरे साथ कुछ सामान भी है ना? अरे नो प्रॉब्लम, सामान भी फ्री, आइए ना। हे रामू। आया मैम साहब। ला मुझे दे, थोड़ा घर ही उठा लाई। तुम्हारी कोई बात नहीं, गर्भवती है, मदद करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल चले? अरे आप कहाँ बैठेंगे? सीट तो सामान से भर गई, मैं तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ। मेरे पास? क्या हुआ, ये किसी के लिए रिजर्व है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मगर तुमने ही तो बोला ना राजा यानी हेल्प, हेल्प यानी राजा। वो तो है लेकिन आइए, कोई नहीं कोई नहीं, जल्दी आइए ना, आइए बैठिए, आइए। आप चलाएंगे क्या? सॉरी जी। जरा सरक के बैठिए ना। अरे अरे क्या हुआ? ये करतूत मेरे पति की नहीं है जी, मेरे प्रेमी की है, बाद में शादी करने का कहा था मगर धोखेबाज निकला। अरे अरे बाप रे, उसका पता पता कुछ तो होगा ना? नहीं जी, वो दुबई भाग गया। इस दर्द से मुझे चक्कर आ रहा है, अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रख दूं जी? ये हेल्प ही है ना? ओहो हेल्प ही है जी। ठीक है रख लो। अब क्या अपना सर तुम्हारे कंधे पर रख दूं? ये भी हेल्प ही है क्या? रखो। राजा हमारा तो जन जन्मांतर का बंधन है। अरे अरे कुमारी, ऑटो रिजर्व में हो गया। तुम्हें कैसे पता? मेरा होने वाला पति भी ऑटो ड्राइवर है जी। उनका क्या नाम है? चार मीनार वाला राजा। राधा तेरी तो मैं याद है, शहर 20 किलोमीटर दूर है, चल पैदल जा। राजा ये ले। छोड़ दो राजा, राजा। सॉरी राजा, यहाँ से यहाँ से पैदल जा, फ्री डिलीवरी हो जाएगी, चल ले। मुझे माफ कर दो राजा, राजा राजा। कट इट। डायरेक्टर साहब
ये आदमी यहाँ क्यों आया? ये कंपनी इन्हीं की है मैडम, यही तो प्रोड्यूसर है। तुम्हें हासिल करने के लिए सब मैंने किया। यूनिट पैक अप। बेटी ये सब क्या है? ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन है तू? ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर। यहाँ क्यों आया? आप अंदर बैठिए मैडम। मैं कौन हूँ जानता है? इस पूरे इलाके का मालिक। ये मैडम ही तुम्हारी है क्या? आप बैठिए मैडम। तू जहाँ पर खड़ा है वो जमीन मेरी है, वो मैडम भी मेरी है। पागलपन दिखाया तो तुझे यही जिंदा काट दूंगा, समझा? अरे यूजलेस फेलो, इस इलाके में कितने ऑटो ड्राइवर है जानते हो? 375,422। उन सबका एक ही एड्रेस है। कितनों का खून करोगे? 10 का 20 का 100 का। उसके बाद कितने बचे हैं जानते हो? हिसाब जानना है? 375,322। वो सब एक बार हमला करे तो तुम्हारा घर, तुम्हारी हस्ती, तुम्हारा शरीर सबका नामो निशान मिट जाएगा। ऑटो ड्राइवर के मुंह मत लगना, मीटर के स्पीड मुताबिक काम तमाम हो जाएगा। चलता हूं, ऑटो में पैसेंजर बैठिए। ओके, उसका आपके पास रुपया बाकी है क्या? जी जी। फिर क्यों पीछे पड़ा हुआ था? जानती हूँ मैं कौन हूँ। नहीं जी। मैं इस साल की मिस इंडिया हूँ। क्या? सच बोलता हूँ, हमारे इलाके में आकर बद्रू भाई की दुकान का कीमा पराठा खाओगी तो तंदुरुस्त हो जाओगी, तभी हमारे इलाके का अवार्ड मिलेगा, नहीं तो परवाह नहीं। वैसे तुम्हारा फिगर वगैरह ठीक है। अवार्ड मिला तो रोज रोज शादी करने के लिए लोग पीछे पड़कर सता रहे मुझे, कुछ तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। अरे हाथ धोकर पीछे पड़ के तो क्या हुआ? बोल तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो भी बोली, पूछते हैं मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं हूँ। बोल तो मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई। अरे किसी भी बेवकूफ का नाम बोल दो ना। तुम्हारा नाम बता दो। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? नो नो नो, कोई भी नाम बोलने को कहा तो तुम मेरा नाम ही बोलोगी। सच में? तुम्हारा नाम बता दो। ओके, तुम भी क्या याद रखोगी, माँ बाप का दिया हुआ नाम किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। टेक माय नेम, फाइट माय नेम, किस माय नेम, यूज माय नेम, थ्रो माय नेम, तुम्हारी मर्जी। मिस इंडिया के जल्दी ही मिस इंडिया बनने के इरादा है आपका? व्हाई नॉट मैडम, आपके फोटो में माला, छी 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 छी, आपके गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला वो किस्मत वाला कौन है, फॉरेनर या इंडियन? इंडियन। अपने स्टेट का या बाहर का? अपने स्टेट का। अपने स्टेट का। क्या करते हैं वो? फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं वो। ऑटो चलाते हैं? माय बॉयफ्रेंड ऑटो ड्राइवर राजा। राजा का नाम लिख दूं? नॉट सिंपली राजा, चार मीनार वाला राजा, ऐसा लिखिए। चार मीनार वाला राजा, ये कौन है? कौन है भाई? लाइट जला दी। चार मीनार वाला। क्या हुआ, मजा आया? लगता है निशाने पे लग गई। अच्छा रुको मैं उठाता हूँ। आओ राजा, उठो देखो पेपर वाले। अरे अरे क्या कर, अरे हट जा। अरे नहीं नहीं, हम पेपर वाले हैं, तुम्हारे फोटो लेने आए हैं। बहुत बकवास कर रहा है तू। हाँ कहिए सर, मिस इंडिया के गले का हार बन गए यही जानने आए हैं। आप और रानी जी प्यार करते हैं, ये हमें खुद रानी जी ने बताया है कि आप बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। रजनीगंधा क्या? रजनीगंधा कौन है सर? अरे उसी रानी को मैं प्यार से रजनीगंधा कहता हूँ, और वो स्टाइल से मुझे राज कहती है, राज समझे? उसकी राज बुलाते ही इसे 10 पैक का नशा चल जाता है। हाँ यानी चार मीनार वाले राजा आप ही हैं? यस 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 यस। रास्ता छोड़ो प्यारे, ऑटो में जाकर भयंकर लड़ाई लड़कर उस सुंदरी को जीतने वाला राजा मैं ही हूँ। मिस इंडिया का होने वाला पति, पूरे इंडिया का सबसे लक्की मैन। फोटो लेना, मैं पोज देता हूँ। सावधानी से, कुमारी का भी। कुमारी? ये कौन है भाई? कुमारी? ओह परम सुकुमारी, स्वीट सुपारी, राम प्यारी, कलकत्ता नारी, नंबर 1 सवारी। क्या
क्या हंगामा है? आप कौन है? रानी मिस इंडिया है तो मेरी माँ मदर इंडिया है। मदर इंडिया? आओ माँ, मेरी भारत माता यहाँ सबकी माता, तुम भी आओ माँ। खींचो जल्दी जल्दी कवर करो। ये सब क्या है माँ? ये फोटो लेने आए हैं। फोटो? पहले क्यों नहीं बताया? बाल ठीक है? सुपर। ये फोटो क्यों ले रहे हैं? राजा मिस इंडिया से प्यार करता है इसलिए। फोटो साफ आए इसलिए लाइट लगा रहे हैं। अच्छा पोज दो। वो सच में प्रेम करता है? प्रेम वेम कुछ नहीं, उसने मदद मांगी तो प्रेम करने का नाटक किया बस। हम सभी लोग मीटर से कम और वेटिंग चार्ज कम देने को कहते हैं, पर ऐसी हेल्प करने को कोई नहीं कहता। इससे क्या मदद मांगनी है लोग जानते हैं। यानी विकमंगों से कोई क्या मांगेगा? मेरा बेटा सुंदर जवान है, मिस इंडिया क्या स्वर्ग की परियां तक धरती पर आकर मेरे बेटे से प्रेम करेंगे? इन दोनों जैसे यूनिटी सेंट्रल में होती गवर्नमेंट जरूर गिर जाएगी। सर आपकी लवर मिस इंडिया, आप मिस्टर इंडिया, आपकी माँ मदर इंडिया, फिर आपके दाएं बाएं कचरा ऑफ इंडिया किस लिए? अरे सच में तुम दोनों आउट आउट। क्या हमें पता ना चले इसलिए इंग्लिश में डाल देते हो? आज आप देख लूंगा। अबे ओ एक्स्ट्रा, अपनी पर्सनालिटी देख कर डायलॉग बोल, फालतू डायलॉग मत बोल, चल। त्वरिताकार मेंटेन करने वाली आपकी लवर रानी, आफ्टर ऑल आप जैसे मामूली ऑटो ड्राइवर से कैसे प्यार की? आफ्टर ऑल ऑटो ड्राइवर? हां ऑटो ड्राइवर हूं, इसे छोटा मत समझना। दो पहिए वाला मंगलू सीएम बन गया, तीन पहिए वाला मैं पीएम बन सकते हैं। शुरू हो जाओ। बड़े बड़े करोड़पति रानी के पीछे पड़े हुए हैं, उसने आप पे क्या देखकर प्यार किया? हाँ जी, क्या देखकर? मर्दानगी देखकर। अपनी मर्दानगी कैसे दिखाया आपने उसे? सर ऑटो चलाकर। ऑटो चलाकर? रानी व्हाट इज दिस, मिस इंडिया का ऑटो ड्राइवर से प्रेम? व्हाट अबाउट आवर स्टेटस? डैडी विदेश जाते वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप गए, इसलिए मैं उनका जवाब दे हूँ। तुम्हें अपनी सीमा में रहना चाहिए। फॉरेन प्रेस मीटिंग बुलाकर ये गलत है ऐसा कह दो। लुक मिस्टर अशोक, ये तुम्हारा जाति मामला नहीं है, होश में रहा करो। मेरे डैडी ने तुम्हें रखा है हमारे कारोबार को देखने के लिए, मेरी जाति मामला में टांग अड़ाने के लिए नहीं। तुम अपनी सीमा में रहो, समझ गए? राजा क्या है ये? राजा क्या है ये? अरे मेरा फेस चमक रहा है ना? तुम्हारा फेस तो चमकता रहेगा, लेकिन तुम्हारे फेस के नीचे जो लिखा है उसी में गड़बड़ है। ए, ये क्या मीटर एक्स्ट्रा दिखा रहा है क्या? तुमने जो किया वो अच्छा नहीं है, इस चेहरे के लिए मिस इंडिया जरूरी है क्या? उस दिन तुमने तो चैलेंज किया था ना, अब भुगतो। मैंने तो मजाक में था, मैंने सीरियस ले लिया। मेरे बदले किसी और से शादी की, उसी मंडप में तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। अरे क्या समझ रहे? अरे ये तो मेरी गाड़ी है। I'm sorry. राजा देख। हेलो राजा। हेलो। ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है? वहाँ देखो। वो बाबू को देखो क्या? लाल मारुति के पास, उन दोनों को। वो लाल टोपी वाले? क्या वो भी तुमसे शादी करना चाहते हैं क्या? तुम्हारे नाम बताने पर पीछा छूटा, लेकिन ये फोटोग्राफर बस रात और दिन मेरा पीछा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेम को झूठी कहानी मान रहे हैं ये लोग। एक दो हाथ दबा दूं क्या? नहीं नहीं, असल में पेपर वालों से दुश्मनी की ना तो गवर्नमेंट तो गिर जाती है। राजा? अरे माँ वो मिस इंडिया बताया था ना, ये रानी। नमस्ते आंटी। नमस्कार। सुनो तुम मिस इंडिया हो तो मेरी माँ मदर इंडिया है। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना, इसके आटो की तरह इसके मुंह में ब्रेक नहीं है। नहीं आंटी, सच में आप बहुत सुंदर हैं। यही बात करती रहोगी, कुछ जरूरी काम निपटाना है, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे, तो चले। यहाँ तो हम आ गए, अब बोलो क्या करना है? हम सचमुच प्रेम करते हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाना है। मुझे विश्वास नहीं, मुझे भी नहीं है। ओ, तो अब मैं प्रेम का श्री गणेश करता हूँ, ठीक है? ये लो। ये आंखें नहीं, मेरी कुमारी की हेडलाइट है। तुम्हारी मुस्कान नहीं, नहीं ये तो देखो ऑटोमीटर। व्हाट? ये हाथ है छे छे मेरी कुमारी के हैंडल। ये कमर है नहीं नहीं मेरी कुमारी की किक रॉड। ओह गॉड। हाँ ओके ओके। प्रेम करो ना, हेडलाइट हैंडल क्यों बोल रहे हो? अरे तुम ही तो बोला था कि प्रेम करो। बाहों में भर कर, आंखों में आंखें डालकर प्रेम करो। हाँ वो दोनों लाख घूरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो कुछ और नहीं करेंगे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। अब क्या करना है बोलो? मुझे बाहों में ले लो ना। हुँ? 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 हुँ?
What happened? ये help ही था ना जी? Yes. ये मेरे लिए first time था ना, इसलिए जरा घबरा गया. दूसरी बार मैं बिल्कुल खुल के पैर करूँगा. नहीं कुमारी नहीं, वो अमीर है मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस चुपचाप चलती रहो. अगर तुम नहाकर आती तो डाइनिंग टेबल के पास डैडी को और ढेर सारा प्यार देती है. मैं तैयार होकर आती. अभी अभी फॉरेन से आया हूँ, ऐसी कौन सी जरूरी बात? रानी के बारे में कुछ खास बात आपको बतानी है. रानी के बारे में? हाँ सर, रानी ने आपसे पूछे बिना खुद अपना जीवन साथी चुन लिया है. रियली? तो मैं परेशानी से बचा. अच्छा, लड़का कौन है, क्या करता है? एक मिनट सर, आप खुद देख लीजिए, बेहतर होगा. अच्छा, रानी को मुझसे बोलने में शर्म आई होगी तभी ऐसा अरेंजमेंट कर लिया. आपके गले में मंगलसूत्र पहनाने वाला कौन होगा, फॉरेनर या इंडियन? मेरी बेटी इंडियन से ही शादी करेगी. इंडियन? बताया ना, रानी का टेस्ट मुझे मालूम है. अपने स्टेट का या बाहर का? अपने ही टेस्ट का होगा. अपने स्टेट का? बताया ना. अपने स्टेट का क्या करते हैं, फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं? सर फैक्ट्री नहीं, 5-star होटल्स, हॉलीडे रिसॉर्ट का मालिक होगा. ऑटो चलाते हैं वो? क्या ऑटो चलाते हैं? What the hell is going on? मेरी बेटी ऑटो ड्राइवर से शादी करेगी? सच में सर, राजा नाम है, चार मीनार के पास रहता है और ऑटो चलाता है वो. गंदी नालियों में रहने वाले से शादी करेगी? मगर तुम क्या कर रहे थे यहाँ? मेरी बेटी ऑटो ड्राइवर के साथ घूमती है, पेपर में छपे हुए फोटो काट कर न्यूज जमा कर रहे हो. गलत कदम है, रानी को समझाया था सर, पर उसने मुझे अपने सीमा में रहने को कहा. Shut up! सीमा वो जानती तो उसके साथ घूमती क्या? मैं समझता हूँ रानी की कोई गलती नहीं है सर. रानी की धन दौलत देखकर प्रेम जाल बिछाया उसने. मरते दम तक लाख मेहनत करे फिर भी उतनी दौलत और शौहरत नहीं कमा सकता है वो. रानी को फुसलाकर दौलत हासिल करना चाहता है. भोले मन वाले रानी को लाख कहें पर वो राजा को गलत मानने की हालत में नहीं है सर. उसका नाम क्या है? राजा. कहाँ रहता है? चार मीनार के पास. आओ खोजो कहाँ है वो. सारी जगह खोजो, एक जगह नहीं बचा, तोड़ फोड़ पाओ, सब सब परेशान मारो. मुझे राजा चाहिए किसी भी हालत. कौन है तू? मैं राजा की माँ. तो तू राजा की माँ? चल चल चल, अब तेरे को दिखाता हूँ. चल सर राजा की माँ. क्यों रे, क्या उम्र पूरी हो गई तेरे बेटे की? ऑटो चलाने वाले को मिस इंडिया का सपना है? क्या सोचकर मेरी बेटी से प्रेम कदम भरता है? वो जो एक महीने में कमाता है उतना मेरी बेटी एक रोज में मेकअप परफेक्ट करती है. ऐसे कंगाल को मेरी बेटी चाहिए. ए, जिसकी दौलत 100 पीढ़ियों तक खत्म ना हो उस घर की बेटी बहू बनकर उस घर में जाएगी जिसे राशन के लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ता है. सुनो, लग्न मंडप में मेरी बेटी के साथ खड़ा होने वाला दूल्हा तुम्हारे बेटे जैसा ऑटो ड्राइवर नहीं होगा, कम से कम ऑटो बनाने वाली कंपनी का मालिक होगा. नाली का कीड़ा, मेरी बेटी की कार से उतरते समय दरवाजा खोलने लायक तेरा बेटा मेरी बेटी का हाथ पकड़े और मैं खामोश देखता रहूंगा. तो और क्या करोगे जी, मार डालोगे? सच्चाई मालूम है जो मेरे घर आकर कोहराम मचा रहे हैं. मेरा बेटा आपकी बेटी की सुंदरता पर नहीं मर मिटा, बल्कि आपकी बेटी मेरे बेटे के पीछे पीछे इस बस्ती में आई है. कार होते हुए भी अपनी इच्छा से ऑटो में घूमती रही है. लाल शर्म भुलाकर सरेआम अपने प्यार का इजहार किया है उसने. सच बात जानी हो तो उस बेशर्म से पूछे. करोड़पतियों को छोड़कर ऑटो वाले ने क्या देखा, जाकर उसी से पूछो ना. पहले अपनी बेटी को काबू में रखो. जिसका अपना सिक्का खोटा होता है वो दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाया करते, समझे? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? Ah!
गाड़ी स्टार्ट करो। कर रहा हूँ सर। अरे क्या हो रहा है, चलो भाई गाड़ी आगे। चलो सर, चलो। कौन हो तुम? चलते हैं। अरे हाँ, कैसी है? डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई बात नहीं। सच्ची बात क्या है जल्दी बता। रानी के बाप ने अपने गुंडों के साथ हमारे बस्ती में आकर मारा पीटा। बोलता था कि उसकी बेटी से मोहब्बत करने की तुमने हिम्मत कैसे की, उसकी बेटी के कार का दरवाजा खुलने लायक भी नहीं हो तुम। उल्टी सीधी बहुत सारी बातें की उसने। अगर तुम उसकी बेटी की तरफ देखोगे तो वो तुम्हारी आंख फोड़ देगा। अगर भूल कर भी तुमने उसे छुआ तो वो तुम्हारे हाथ तोड़ देगा। हाँ तो बदनाम किया, ये कम है? मेरे बंगले में घुस कर हंगामा कर रहा है, बड़ा भारों समझता है अपने आप को। इसे चार मीनार समझ रखा है क्या? ये विजय कुमार चाहे तो तेरा पूरा इलाका मेरे दरवाजे पर होगा। मेरे सामने मेरे आदमी को मार रहा है। यू ब्लडी। तुम यो रानी के बाप? हाँ हूँ। क्या करोगे? यू लोफर बदमाश। सामान संभाल कर बात करो वरना मेरा भी हाथ उठ सकता है। मेरी गैर हाजिरी में मुझे मारोगे तोड़ोगे ऐसी धमकी देकर आए थे ना? मारो। एक औरत पर हाथ उठाते शर्म नहीं है तुम्हें? 10-15 गुंडे बुलाकर मुझे मारने आए थे। अपने को मर्द कहते हो? मां समान औरत पर हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? अगर चाहूं तो तुम्हारे इसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ा हूं? तुम्हारी बेटी को फांस लिया ऐसा सोच रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारी दौलत पर तो मैं थूकता भी नहीं।
सच्चाई जाने बिना मेरे घर क्यों आए? तुम्हारी बेटी को चूमा क्या? तुम्हारी बेटी को भोगा क्या? सच में क्या हुआ था ये जाने बिना मेरे घर पहुंचकर पागलों की तरह धमकी देते हो तुम? क्या धमकी दी थी मैं भी तो सुनूं? हाँ, तुम्हारी बेटी से प्रेम करने लायक मैं नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी के कार के दरवाजा खोलने लायक नहीं हूँ। अब तक उसे अपने ऑटो का एक पैसेंजर समझता था बस, लेकिन अब सुन लो जो बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ूंगा, तुम्हारी बेटी को प्रेम में फंसाऊंगा, तुम्हारी बेटी मेरे आगे पीछे नाचेगी, उसकी मर्जी हो या ना हो उसको मंगलसूत्र पहनाऊंगा, तुम्हारे हाथों से अपने पैर धुलवाऊंगा। एक ऑटो ड्राइवर मेरा दामाद है ये तुम कहोगे, पर ना मेरा नाम चारमीनार वाला राजा नहीं। मिस इंडिया, मिस इंडिया कहते हैं खूब उसके पीछे घुमा, अब देखो क्या हुआ। एक वक्त पे अगर गुरुजी नहीं आते तो भगवान जाने क्या हो जाता। ये लो आगे महारानी। I'm sorry आंटी, ऐसा होगा मुझे पता नहीं था, I'm so sorry। ए, यहाँ क्यों आई हो? मेरी माँ ऊपर पहुंची या नहीं ये देखने के लिए? जरूरत बंदू की सहायता करनी चाहिए, नेक काम है ये सोचता था, लेकिन आप समझ गया हूँ कि किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए। हाँ ऐसा नहीं है राजा, एक औरत पर हाथ उठाते हैं शर्म नहीं आई तुम्हारे बाप को? मेरे डैडी इतना कुछ करेंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। तो क्या उम्मीद की थी, पूरी फैमिली को मार डालेंगे ये उम्मीद की थी तुमने? हाँ तुम चुप रहो माँ, मुझे देने का सबक सिखाया गुरु ने, लेने का नहीं। क्या बोलेगी तू अगर तू अभी नहीं गई तो इसी बेड पे तुम्हारा बाप वही यहाँ देखने आएगा, चलेगा यहाँ से? बेटी रानी राजा तुमने बिना मतलब रानी को बुरा भला कहा, उसके बाप ने जो किया वो कम है क्या? पिता के किए की सजा उसे क्यों मिले? अगर वो अपने बाप समान होती तो हॉस्पिटल क्यों आती, फिर मुझसे माफी भी क्यों मांगती? तुमने बहुत बेवकूफी की। गुड इवनिंग सारथी बहन। नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हूँ। दवा टाइम पे लेती हो ना? हाँ वेरी गुड। कल आप घर जा सकती है और दवा टाइम पे लेती रहना। हा? हाँ तुम्हारी गलती हो गई, बिना मतलब उसे डांट दिया, मिस इंडिया है ना, यकीनन फील किया होगा, गुस्से में तो उसके बाप ने हंगामा कर दिया, गुस्से में आकर मैंने भी गलती कर दी। अगर डैडी से पहले बता देती तो ये सब नहीं होता। राजा? अरे तुम? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। सॉरी रानी, माँ को चोट लगी ना इसलिए गुस्से में कुछ बोल गया। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना बुरा भला कहा फिर भी कहते हो कि कोई बात नहीं। मुझे बुरा भला कहा इसकी मुझे चिंता नहीं। तो फिर किस बात की चिंता है? मेरे डैडी के सामने मुझसे शादी करने का तुम जो चैलेंज कराए उसका क्या होगा? गुस्से में बोला था लेकिन चैलेंज तो चैलेंज है। वो पूरा होगा? क्यों जी, मैं अपना चैलेंज पूरा कर चुकूंगा क्या? लेकिन मैंने तुमसे प्यार नहीं किया ना। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मेरा चैलेंज पूरा कैसे होगा? तुम्हारे चैलेंज के वास्ते मैं तुमसे प्यार करूं क्या? ये सब नहीं जानता, प्यार से बड़ा चैलेंज होता है। यानी मेरे पसंद नापसंद की बात ही नहीं है? तुम्हारी पसंद देखूंगा तो मेरा चैलेंज डैमेज हो जाएगा। अगर मैं ना कहूं तो? मेरे चैलेंज करने के बाद तुम इनकार कैसे करोगी? ओके ओके, तुम्हारे चैलेंज के वास्ते आई लव यू। सच में? नहीं तो तुम्हारा चैलेंज बेकार हो जाएगा ना। यानी मेरे चैलेंज की वजह से तुम प्रेम कर रही हो? सिर्फ तुम्हारा चैलेंज ही बेकार नहीं होगा बल्कि मेरा प्रेम भी बेकार हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम कैसे बेकार होगा? अपना दिल तुम्हें दिए बिना अपने दिल को अपने में ही छुपा लो तो मेरा प्रेम ऑटोमेटिकली बेकार हो जाएगा ना। ओ हाय डैडी। मुझको मेरी बेटी धोखा देगी ये तो सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। मैंने आपको धोखा दिया? यस, यू हैव चीटेड मी। उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ ड्रामा कहकर बाप से ड्रामा खेला। उसके साथ नाचना एक ड्रामा है, उसको चूमना भी एक ड्रामा है। कम ऑन टेल मी। सच में कल तक राजा के लिए मेरे मन में कोई प्रेम नहीं था डैडी, लेकिन अब मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैंने भी आज तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया। लेकिन मेरी पसंद के बिना? सुनो, बचपन से अब तक तुम्हारी पसंद जान कर नहीं किया मैंने, तुमसे पूछे बिना स्कूल में भर्ती किया,
पूछे बिना तुम्हें स्टेट्स भेजा। तुम कैसे सुख से रहोगी ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। दादी, तुम्हारे लिए हीरे का नेकलेस ही नहीं, हीरा जैसा तुम्हारे लिए पति भी लाऊंगा। मुझे राजा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। भूल कर भी उस फुटपाथी का नाम इस घर में सुनाई पड़ा तो उसके गले में क्या, उसकी लाश पर भी माला डालने का मौका नहीं मिलेगा। माइंड इट, कल तुम्हारी मंगनी है, मैं जिसे पसंद करूंगा वही तुम्हारा पति होगा। सुनिए 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 सुनिए, हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा अनाउंसमेंट। मेरा नाम राजा है, चार मीनार वाला राजा। मेरा ऑटो नंबर AP9A99। मिस इंडिया रानी ने मेरा कैरेक्टर देखा, मुझे पसंद किया, मामूली बात है। मैंने भी उसका चरित्र देखा, रानी को पसंद किया, ये भी मामूली है। तब रानी ने अपनी डैडी के पास जाकर, डैडी डैडी मुझे राजा पसंद है, उससे शादी करना चाहती हूँ, ऐसा बोली। कहना भी चाहिए, लेकिन उसकी डैडी ने कहा नो, रानी के पसंद को नापसंद करके, हमारी शादी से इनकार करके, रानी की मर्जी के खिलाफ ये शादी तय की। तो फिर रानी मेरे पास आकर, राजा तुम्हारे सेवा में किसी और से शादी नहीं करूंगी, ऐसा बोली। इसलिए जेंटलमैन स्टाइल में उसके पिता से परमिशन लेकर अपनी महबूबा को ले जाने के लिए आया हूँ। सुन लीजिए, हमारी शादी चार मीनार में होगी, आप सब लोग मेहरबानी करके मत आइएगा, यही है अनहोनी शादी। अरे रुक, ए राजा पहुंचने वाला, तेरा ये हाथ टूट जाएगा। हाँ देखा, चार मिनट वाला राजा, राजा एक ऑटो ड्राइवर मेरे घर में घुसकर मेरे सामने ही मेरी बेटी को ले जा रहा है। अगर मैं खामोश रहा तो फिर सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा। रानी को हर हालत में रोकना होगा, वरना उस नादान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नो, रानी सगाई का वक्त हो गया, घर चलो बेटी। डैडी, आप सच में मुझे सुखी देखना चाहते हैं क्या? तभी तो तुम्हें लेने आया हूँ। अमीर कुन में मैं पैदा हुई हूँ, सुख की कीमत नहीं जानती। दौलत में पली हो तुम, उस बस्ती में जीना आसान नहीं है, बिन पानी की मछली की तरह तड़प कर मर जाओ। डैडी, आपकी बेटी झोपड़ी में मन पसंद पति के साथ महारानी जैसे जिए, या इच्छा के खिलाफ सोने के महल में जिंदा लाश बनकर जी, ये पसंद करेंगे। मुझे आपकी दौलत, फेम, स्टेटस ये सब नहीं चाहिए। आई वॉन्ट राजा, आई लव राजा। आई सॉरी, मेरी बेटी हो ये सोचकर यहाँ तक आया। कोई भी दौलतमंद अपनी बेटी को ऑटो वाले से विवाह करना कभी नहीं चाहेगा। फिर भी मैं अपनी बेटी को उसके प्रेमी के हवाले करके जा रहा हूँ। भविष्य में प्रेम से दौलत बड़ी है ये सवाल तुम्हारे मन में कभी ना उठे, इसलिए विदा कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। उन्होंने कहा तो क्या मैं भी उसे मान जाऊँ? नहीं, ये ना मुझे मंजूर नहीं। ये क्या माँ, जब इसके डैडी मांगे तुम क्यों गाड़ी रिवर्स में डाल रही हो? पहले ये बता, तुमने कब इसे प्रेम किया? नमस्कार गुरु जी, आइए आप ही से बताइए। इसने पहले बोला प्रेम रेम कुछ नहीं, बस हेल्प कर रहा हूँ, अब कहता है प्यार करता हूँ। माँ, लव और हेल्प दोनों में ही चार अक्षर हैं। लव हेल्प में बदल गया बस। अरे ये यहाँ रह पाएगी? देखिए तुम उठा लाया। माँ, रानी मेरे वास्ते सब कुछ छोड़ के आई है,
हमारा दिया हुआ खाना खाएगी, हमारी तरह रहेगी, हमारी तरह के कपड़े पहनेगी। मिस इंडिया को देखिए बाबू, मिस इंडिया को दूर से देखने का 10 रुपया, पास से देखने का 20 रुपया, क्लोजअप से देखने का 50 रुपया, बात करने का 50 रुपए। अरे गुरु गुरु, सारे के सारे कहाँ भागे जा रहे हैं? तुम यहाँ कैसे आया हो गुरु? तुम्हें नहीं, मुझे बोलना है डायलॉग। ऐसा क्यों रे, सुबह होते ही कलेक्शन शुरू कर दी तुमने? नहीं नहीं गुरु, ऐसा नहीं है, भाभी को देखने के लिए पब्लिक की भारी भीड़ जुट गई थी। तिरुपति में स्पेशल दर्शन, धर्म दर्शन जैसे टिकट बेच रहे हो तुम, ये तो मेरा काम है। अरे तू कहाँ से आ गया? मेरे बाप, मेरी होने वाली बीबी म्यूजियम की कोई मूर्ति है या आगरे का ताजमहल जो तुम टिकट बेच रहे हो? मत मारो मुझे गुरु, भाभी को लोग मुंह में देखेंगे तो चुप हो जाओगे? भाभी को लोग जितना देखेंगे उतना सम्मान बढ़ेगा। मुंह बंद कर इलाहाबादी, मैं खुद टेंशन में फंसा हुआ हूँ, उसे मैं कैसे सुखी रखूंगा मैं ये सोच रहा हूँ, और तुम लोग सोच रहे हो कि जनता के सामने कैसे ले जाए। सुखी रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु, अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, अंगड़ाई ली तो प्यार से सुनाओ, जब कर्ज के लिए 10-12 रुपए दिया करो, बहुत कुछ रहेगी। ऐसा नहीं रे, रानी बड़ी परिवार से आई है, एक टीवी, एक VCR, एक फ्रिज, ये सब आखिर मैं कहाँ से लाऊंगा? आइडिया गुरु, चल एक बार एक थिएटर बुक करके भाभी को देखने के लिए टिकट बेची तो काफी कलेक्शन होगा। अरे मतलब के बच्चे, कभी ऐसा आइडिया दिया तो तुम दोनों की टिकट काट दूंगा। क्यों गुरु बिना मतलब मारते हो? मेरे पहचान का ब्रोकर है वो, टीवी क्या 4 मीनार भी हम लोगों को इंस्टॉलमेंट में दिलवा देगा। राजा, रानी रानी शादी की पहले ही 2 रुपए गुलाम हो गया, बाद में हम लोगों के साथ क्या करेगा? म्याओ म्याओ करते हुए भागेगा। क्या है रानी, बाथरूम कहाँ है? बाथरूम चलो ले चलता हूँ, ये देखो। यानी बाहर का बाथरूम? अरे इस मोहल्ले का बेस्ट बाथरूम है, 5-स्टार बाथरूम, कम ऑन स्टार्ट। इसमें दरवाजा नहीं है? दरवाजा बाथरूम में छुपाने के लिए कुछ नहीं, इसे निकाल दिया। फिर मैं नहाऊंगी कैसे? दरवाजा था, उसकी लंबी कहानी है, बताता हूँ। इस बस्ती की लड़कियाँ अपने हेयर पिन से खरोच खरोच कर मुझे देखती थी, इसीलिए निकाल दिया। बस एक मिनट, अभी लगा देता हूँ, ये लो। शावर नहीं है क्या? शावर यही ना, बस एक मिनट। माँ माँ माँ, शावर कहाँ है? अरे कॉफी फिल्टर दो ना, उसे शावर चाहिए। ये रहा, अरे सुपर शावर मिल गया, देखो ये देखो। हाँ ये लो, कैसा लगा? सुपर शावर, राजा जो भी करता है सुपर स्टाइल में। चलो थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, दरवाजा बंद कर लो, लोग देख लेंगे। क्या कर रही हो? रानी नहाते समय कौन सा गाना गाती है यही सुनना है। मिस इंडिया के घर आने के बाद पात्र में दरवाजा लगाया, शावर लगाया, अब और क्या क्या करोगे? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कल से तुम सुपरहिट सिनेमा देखा करो। टीवी के लिए टीवी, रानी इसमें क्रिकेट देखेगी। टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, रानी इसमें गाने सुनेगी। VCR, VCR, रानी इसमें फिल्में देखेगी। रानी ठंडा पानी पिएगी ना, देखा चाची 25 साल तक पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ को एक रेडियो तक नहीं दिया, मंगेतर के साथ 2 दिन क्या बिताए कि पूरा बाजार ही उठा ला। अरे लोग सच में कहते हैं कि पत्नी शक्कर तो माँ नमक। माँ इसकी बातों में बताना। हेल्प हेल्प बोल कर तुम प्यार कर बैठे, अब मैं किसी की बातों पर विश्वास नहीं करूँगी। हाँ रानी आया, एक मिनट, ये सब तुम्हारे लिए। थैंक यू, तुरंत VTV लगाओ ना। हाँ हाँ चलो ऑन करना, ये CTV नहीं भाभी, हॉटलाइन TV है। अरे VTV मतलब TV नहीं, चैनल। ओहो, ऑन करो। ऑन करने लगा तू, ओपन कर रहे हैं? इसे ऑन करो या ओपन करो, काम नहीं करेगा गुरु। ठीक है। हाँ गुरु, फर्स्ट स्टाल में खाली डिब्बा देती है, लास्ट स्टाल में देने पर ही पिक्चर टिप देती है, तभी तस्वीर आएगी। राजा प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, टीवी देखना है तो केबल कनेक्शन लगाना होगा ना, केबल कनेक्शन हमारे घर में नहीं है इसलिए टीवी नहीं चल रहा। क्यों ना समय बताने के लिए टेप रिकॉर्डर सुनो। ओके ए टेप रिकॉर्डर ऑन कर। तुम्हारा अंदाजा सही है गुरु, ये सैंपल पीस है। अरे बाप रे, चल भाग यहां से। इंपोर्टेड पीस लाओ या इंडियन पीस, ये समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं सैंपल पीस ले आया। ये फ्रिज भी सैंपल पीस है? नहीं नहीं राजा, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल असली है। तुम्हें डाउट हो तो मैं ओपन करूं? नहीं नहीं, मैं इसे ओपन करता हूँ। मैं तुझसे सीनियर हूँ, मैं ही ओपन करूंगा। हाँ। इसमें सीनियर जूनियर की क्या बात है, मैं ही ओपन करूंगा। चलो मैं ओपन करता हूँ। हाँ मैं ओपन करूंगा। ए बकवास बंद करो, फिर चलो करो। अच्छा तुम कर लो। हाँ ओपन करो। हो जाओ। 1 2 3। मुझे थोड़ा डाउट है, फ्रिज से धुआं आया या धुएं से फ्रिज आया? चुप रहो चुप रहो, तुम लोग अनाज खा लिए, घास करंट लग जाता तो मर जाते तुम लोग। तुम देखो ऐसे, देखो देखो। वो रानी, वो तुम टीवी देखोगी इसलिए मैं
राजा मैंने कब कहा कि मुझे टीवी चाहिए? नहीं रानी, वो अपने डैडी को दौलत को छोड़कर एक ऑटो ड्राइवर के साथ आई हूँ, प्यार के वास्ते, फ्रिज और टीवी के लिए नहीं। और वैसे भी मुझे टीवी देखने की आदत भी नहीं है। मुझे दीजिए माँ जी, मैं बनाती हूँ। क्यों बेटी, तुम्हें टीवी देखने की आदत नहीं है? वो बिल्कुल नहीं माँ जी। फिर क्यों, टीवी आते ही खुशी से उछल कर बी चैनल ऑन करने के लिए बोली तुम? वो मैं भी औरत हूँ, तुम्हारे मन की बात मैं समझती हूँ। ओम ब्रह्मदेव नमः, ओम विष्णुदेव नमः, ओम विघ्नेशनाय नमः, मिस इंडिया नमः, मिस इंडिया नमः, मिस इंडिया नमः, मिस इंडिया नमः। अबे देखे, अरे क्यों, मार खूब पड़ी क्या? नहीं नहीं, किसी ने धक्का नहीं मारा। तुमने क्या सोचा धक्का मारा किसी ने? नहीं नहीं, मैं तो टाइल्स देख रहा था, टाइल्स। नई टाइल्स जगी है ना, इनसे ठंडक मिलती है बिल्कुल बर्फ की तरह। अभी तो टाइल्स पर गिरे हो, उसके बाद पत्थर पर गिरोगे, अंत में कीचड़ में गिरोगे। वैसे तो आगे के जीवन में मिस इंडिया का बॉडीगार्ड बनकर ही जीना है ना? ए, अगर तूने बॉडीगार्ड कहा तो तेरा सर फाड़ दूंगा। ए, अगर रानी के पीछे लोग पड़े हैं तो उसका गुस्सा मुझ पर क्यों? तेरे पीछे लोग नहीं, मैं ही पढ़ूंगा। वैसे पढ़ने के लिए किस्मत होनी चाहिए। होने वाली पत्नी के साथ मंदिर आया तो सब लोग भगवान को भूलकर उसके पीछे लग गए। ऐसे ही रानी पिता और उसकी करोड़ों की दौलत को छोड़कर मेरे पीछे आई है, समझी? मैं सोचती थी कि ये लड़की एक महीना क्या, एक आध दिन में ही यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन एक नौकरानी की तरह मेरे घर में बर्तन तक मांज रही है, अपना घर समझकर, घर की सफाई करके रंगोली बनाकर पूजा पाठ भी करती है। करोड़पति की बेटी हूँ ये भूलकर हमारे घर की बन गई। ये लड़की अब कभी भी हमें छोड़कर न जाए, जीवन भर मेरी बहू बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दो भगवान। क्यों ऐसे दिख रही है? चलिए बर्थडे है, यू हैव टू कम। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। नो नो, ये सब यहाँ नहीं, कल कल पार्टी में गाड़ी में बोलना। अपने मंगेतर को भी लेकर आना, जरूर लेकर आना। घर में ऐसे, बाथरूम में ऐसे, बेडरूम में ऐसे, माय गॉड, शान से जीने वाली तुम यहाँ कैसे रह रही हो? यहाँ एसी नहीं, वॉल टू वॉल कारपेट नहीं, मगर तहे दिल से प्यार करने वाला हार्ट ऑफ गोल्ड राजा है ना, माँ की तरह ममता और स्नेह देने वाली सास, ये बहुत है मेरे लिए। उन्हें मन से चाहने वालों के साथ रहने में बहुत खुशी मिलती है। अरे सूट किसके लिए? तुम्हारे लिए। पागल है क्या, मैं सूट का क्या करूँगा? हम फाइव स्टार होटल जा रहे हैं ना। सुनो, पार्टी वगैरह में मैं नहीं जाता। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आज तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे और हम वही खाना खाएंगे, प्लीज। मुझे ये सब पसंद नहीं, तुम जाओ ना। तुम्हारे वास्ते मैं यहाँ चार मीनार आई, मेरे वास्ते तुम फाइव स्टार होटल नहीं चल सकते, प्लीज। जानता था तुम यही कहोगी। ओके, तुम्हारे लिए थैंक यू, थैंक यू। लेट्स डांस, विल यू जॉइन मी फॉर डिनर? ओह नो 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 नो, आज नहीं।
दूसरा क्या तुमने बिना बताए यूं चले आए? मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं लगा इसलिए चला आया। अब क्या अच्छा नहीं लगा? बेशर्मों की तरह पराई औरतों की कमर में हाथ डालकर नाचना मैं नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो सीख लो ना, यही तो कल्चर है। ये कल्चर हो या पंचर, मेरी होने वाली बीवी के साथ कोई ऐसे डांस करे मैं नहीं सह सकता। अच्छा इसके बारे में फील मत करो, ये कोई पाप नहीं है। पाप और पुण्य क्या, अपनी बीवी अपने से चिपके तो कोई पाप नहीं पुण्य है। सुनो वो लोग तुम्हारी कमर को पकड़ कर दबाएं, हाथ हिलाएं, गालों को सहलाएं, ये कल्चर है? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं है, कुछ समझने की कोशिश करो ना, इसमें गलती नहीं है राजा। मैंने सोचा कि आप राजा को समझाएंगी, पर आप ही जोश में आ गई। इसने क्या गलती की जो मैं इसे समझाऊं? ऐसे रोड पर सबके सामने कूले मटकाएंगे तो देखने वाले इन्हें चीप ही समझेंगे ना। क्या पार्टी में एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर नाचना बुरा नहीं लगता तुम्हें? शादी में नाचना बुरा लगता है? वो कल्चर है, इसमें और उसमें बहुत फर्क है, बोलिए अम्मा जी। ए, वो कल्चर है और ये मिक्सचर है, हमारा गलत है तो उनका भी गलत है, बोलो। वाह वाह, अब मैं बहुत खुश हूँ बेटे। क्या हमारी लड़ाई होने से तुम्हें खुशी हुई? ये क्या बात हुई? तुम दोनों के बीच नाराजगी होने का मतलब है तुम्हारे विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, यानी दोनों जल्द अलग हो जाओगे। रानी तुम्हारा सूटकेस तैयार कर दूं बेटी। राजा कितना अच्छा डांस किया तुमने, सच में तो माइकल जैक्सन लग रहे थे। ऐसे ही 365 दिन रोड पर डांस करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे रानी तुम मुझे इतनी अंडरस्टैंड करोगी, मुझे पता ही नहीं था। इस तरह गाजी बाजी के सामने फिर डांस किया ना तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ डालूंगी। तुमने किसी और के साथ डांस किया मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम भी डांस मत करना, मैं भी नहीं करूंगा। तुम्हारा भी बंद मेरा भी बंद। We are made for each other, you know? हम दोनों का मन एक है। भगवान इन दोनों में पटेगी नहीं, दोनों जुदा होंगे ऐसा मैंने मजाक में कहा, लेकिन इन दोनों ने पल भर में अपना प्यार मुझे जता दिया। ये दोनों तहे दिल से एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये प्यार इन दोनों में सदा के लिए बना रहे यही मेरी प्रार्थना है। आप राजा से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए अपना बंगला छोड़ इस बस्ती में रह रही है ना? आपसे किसने कहा कि हम यही रहेंगे? मेरी और राजा की शादी होने के दूसरे पल ही स्विट्जरलैंड में होंगे। समझ गया, यानी आप विवाह के बाद स्विट्जरलैंड में सेटल होंगी। अच्छा आप बताइए आप स्विट्जरलैंड कब जाएंगे? नो, ना स्विट्जरलैंड ना नागालैंड, हम मदरलैंड में ही रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं, विवाह के बाद भी हमें चार मीनार में ही रहना होगा? हाँ हाँ, ये यहाँ कैसे रहेंगे? अभी जैसे जूम। अगर हम यही रहेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? स्विट्जरलैंड में बच्चे पैदा होते हैं क्या? इसके लिए कैपेसिटी चाहिए, ये तो रेगिस्तान में भी पैदा होते हैं। मैडम का कहना कुछ और है सर, आपके होने वाले बच्चे आपका ऑटो ड्राइवर बनकर ही ना रह जाए उन्हें ये चिंता है सर। ए, तुम ऑटो ड्राइवर को छोटा समझते हो, मेरे परदादा ऑटो ड्राइवर थे, मेरा दादा ऑटो ड्राइवर था, मेरा बाप ऑटो ड्राइवर था, मैं भी ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरे होने वाला बेटा भी ऑटो ड्राइवर बनेगा, अगर बेटी हुई तो उसको भी ऑटो ड्राइवर बनाऊंगा। देखो तुम स्विट्जरलैंड चलोगे या नहीं? ना कहा ना, शट अप, मैं तुमसे नहीं बोल रही हूं, मैं फाइनली पूछ रही हूं आप स्विट्जरलैंड चलेंगे या नहीं? मेरे पोता पोते भी बनेंगे ऑटो ड्राइवर। यानी दोनों के बीच तलाक का फैसला। राजा जी ने अलग होने का ऐलान किया है। सारे चैनल में प्रचार कर दो कि मेरी शादी राजा से तय हो गई। अभी अभी टिप्पणी राधा ने बताया कि उनकी शादी राजा से तय हुई है। ये सब मेरा आइडिया नहीं, उसका आइडिया। चल चल भाग यहाँ से। ए कैसे निकाल, माइक पकड़ो। ए साहिल गुरु, आगे से यहाँ दिखाई दिया तो तेरे ए टीवी को जीरो टीवी बना दूंगा। बातों बातों में हमारा प्यार बीच भंवर में फंस गया, हमारी शुरुआत कहाँ होती, पार्क में ना? चलो वही चलते हैं। क्या चाहिए? ए, हथकड़ी काटनी है। ये मेरा छोटा भाई है, चार मिनट की पुलिस से अरेस्ट करके ले गई थी, मैं उसे उड़ा के लाया हूँ। हथकड़ी काटनी है तुम्हें, जितने पैसे चाहिए उतने दूंगा। ए शराफत से बोल रहा हूँ। जो कहा वो करो। नागराज तुम्हारे भाई को पुलिस ढूंढ रही है, अपने इलाके में भी आई थी, बेहतर है यहाँ से निकल चलो। जानता है किससे पंगा ले रहा तू? देख लूंगा।
बने बैठ रास्ते से हट। क्या फोस मार रहा है? उतर दे कुत्ते। कुत्ते मुझको? हाँ। किसको बोलता है कुत्ते? इस नागराज को? हाँ रे तुम्हें। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कन्याकुमारी से पठानकोट तक, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, चार मीनार के राजा का नाम सुनकर घबरा उठता है। और तुमने हमारी बस्ती में हमारे गुरुजी को चाकू दिखाया? इतने बड़े सूरमा हो तुम? क्या बोला था, चाकू मारेगा? हाँ चाकू चाहिए, ये ले। ए, ये ले। क्यों रे, क्या घूरता है? चाकू मार। अरे मार ना। अरे रुक जाओ, हमारा कोई काम नहीं है, इन कुत्तों का राजा अकेला देख लेगा, चुपचाप तमाशा देखो। पहलवान के बच्चे, मैंने तुझसे भाई की बेड़ियां काटने को बोला तो तूने उसे जेल पहुंचा दिया। मैं तुझे मारकर अपना हिसाब चुकता करूंगा।
पहले इस चौखट से बाहर कदम तो रख। ये क्या मर्दानगी है? हाँ, एक गुड्डे को लेके मार रहे हो? भाभी जल्दी से राजा को उठाइए। नागराज के आदमी हमारे गुरुजी को पीटकर मार रहे हैं। राजा, ये राजा। वो राजा नहीं है। ये क्या कह रही हो? बाहर आकर तो खड़ा है, उसे जल्दी उठा दो। आपका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? ऐसा नहीं कहिए, राजा नहीं आया तो वो लोग हमारे गुरुजी को मार डालेंगे। वो नहीं है राजा, नहीं है। पर सर काम से बाहर गया हुआ है, आप जाइए ना। मेरे कहा ना मानिए। अगर राजा को पता चल जाए मेरे बदन पर मार पड़ी है तो खून खोल उठेगा उसका। अगर वो जान गया किसने मुझे मारा है तो उसके वंश का दुनिया में नाम निशान नहीं रहेगा। इसलिए मैंने समा यहाँ रिश्ता राजा से कह देना मैं जा रहा हूँ। चलो तो अरे बात देखो क्या? सामने क्या है? बेचारी तेरे लिए लिया है, तेरे लिए एक ऑटो तो क्या जान भी हद है। राजा नहीं चाहिए क्या? जान नहीं चाहिए, ऑटो चाहिए। भैया चाची गुरु को अच्छी दक्षिणा दी है तूने। गुरु की जिम्मेदारी हमसे ज्यादा तुझ पर थी। अपनी बात की सूरत तक न जानने वाले गुरु जी ने सगे बेटे की तरह पाला पोसा, ऐसे महान गुरु को बदले में अच्छी गुरु दक्षिणा दी है तूने। चुगत अब मगरमच्छ की आंसू बहा रहा है। जब गुरु को मार रहे थे मैं तुझे बुलाने तेरे घर आया तो बीबी से कहलवा दिया कि मैं घर पे नहीं हूँ और अब पब्लिक की सहानुभूति बटोर लिया है। वो खुद नागराज को चाकू मार कर बोले अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो राजा तुझे जरूर मारेगा, ये खून तेरे हाथों से नहीं होने पाए। इतना कहकर हमारे गुरुजी मर गए। अब तू समझ गया होगा वो कितना चाहते थे तुझे। शादी के बाद मर्दों को बदलते देखा है लेकिन शादी से पहले होने वाली बीवी का आंचल पकड़कर घूमने वाला तेरे जैसा गुलाम नहीं देखा। छी अब क्यों रो रहा है? अरे आंसू तो सच्चे इंसान को आते हैं।
रात को कृष्ण यहाँ आया था? कल रात को यहाँ कृष्ण आया था? आए थे। तुमने क्या कहा? कहा कि अब घर में नहीं है। तुमने जानबूझकर उससे झूठ क्यों बोला? वहां जाने से आपको कुछ हो जाता है, इसलिए। क्या हो जाता मुझे? तुमने क्या सोचा वो नागराज मुझे मार जाता? अगर मर भी जाता तो अच्छा होता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मेरे गुरुजी वहां मौत से लड़ रहे थे और मैं ये सो रहा था। वो मेरे अन्नदाता थे, वो मुसीबत में थे और मैं उनकी मदद नहीं कर सका। इसकी वजह तुम, हमें जीने का कोई हक नहीं। राजा रुक जा, क्यों रे? इसे मार डालेगा। इसे मार के मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मेरे गुरु वहां मर रहे थे और इसने जान बूझ कर झूठ बोल के मैं घर पर नहीं हूँ। इसके कारण सारे बस्ती वाले मुझे गुनेगार समझते हैं। आज तक किसी के सामने मेरा सर नहीं झुका, पर इसके कारण आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। क्या करूं? कितना बदनसीब हूं मैं कि बेवक गुरु जी को पर्ची पर लेटाना पड़ा। इन्हीं हाथों से उनकी चिता पे आग लगानी पड़ी। ये सब इसी वजह से हुआ। अगर इसे माफ किया तो गुरु जी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुमसे प्यार करके तुम्हारे लिए इतनी दूर आई और उसके बदले में अच्छा दिला दिया तुमने। आखिरकार अपनी बस्ती की जान दिखा दी। क्या कहा? बस्ती की जान? जब मुझसे प्यार किया था तब नहीं दिखा, और जब अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी तब नहीं दिखाई दी थी। अपने बाप के पास मेरे लिए जब रोई थी तब हमारी जात नहीं दिखी। अपने बाप की करोड़ की जायदाद जब छोड़कर आई थी तो इस बस्ती की जात तुम्हें याद नहीं आई? मेरी रीतियां, मेरे लोग, मेरी बस्ती वाले अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। निकलो यहाँ से। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? घर में मैं रह सकती हूँ डैडी? ये क्या कह रही हो बेटी? प्यार तो तुम्हें इस उम्र में हुआ है, लेकिन इस घर में तुम्हारी जगह तुम्हारे पैदा होने से पहले ही ऊपर वाले ने बना दी थी। ये तुम्हारा ही घर है बेटी, तुम्हारा ही। डैडी। माँ, आज से सीता यहीं रहेगी। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती यही उसका घर है। अब और सोचने से क्या होगा? रानी अभी सब कुछ भूल रही है। तुरंत शादी करने से प्यार का नाम कभी नहीं लेगी। लेकिन शादी से पहले मेरी बेटी एक ऑटो ड्राइवर के घर में 2 महीने रही, कौन उससे शादी करेगा? शादी करना चाहता है उससे, और कुछ नहीं चाहता। सूर्या साउथ इंडियन बिजनेस टाइकून। सूर्य मान जाएगा? रानी के लिए पागल है वो। हाँ, तो उससे बात करो, अगर वो हाँ कर ले तो मैं तो निकलवा ले। थैंक यू वेरी मच। रानी से मेरी शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें माला माल कर दूंगा, मेरा वादा रहा। यानी कि राजा मुझे मारे, पीटे या कुछ भी करे, बेगैरत की तरह वहीं पर रहो। नहीं नहीं, तुम्हें सर झुकाकर जीने के लिए नहीं कह रहा हूँ बेटी। मैं कहीं घमंड में गलती तो नहीं कर बैठी, इसलिए कह रहा हूँ। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटी, एक ऑटो ड्राइवर जैसे छोटे आदमी के लिए करोड़ों की जायदाद और प्यार करने वाले पिता को छोड़कर गए थे तुम, इसका मतलब कि उससे अटूट प्रेम है तुम्हें। राजा के लिए इतना त्याग किया है तुमने, एक छोटी सी बात के लिए उसे छोड़कर वापस आ गई। प्यार में तो झगड़े होते ही रहते हैं बेटी, अपनी पसंद के आदमी से हारने में भी आनंद है, ये मैं सोचने की मैं ड्राइवर हूँ। इसलिए एक ऑटो ड्राइवर का पक्ष ले रहा हूँ मैं। उस बस्ती में रहते हुए बचपन से राजा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो भला मानस है, आगे तुम्हारी मर्जी। आप अपनी बेटी को करोड़ों की लागत वाले हीरे जवाहरात खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले आदमी को तो नहीं ला सकते हैं कई करोड़ रुपए खर्च करके भी। दौलत के जरिए की गई शादी बड़ी नहीं है, मन को शांति देने वाली शादी ही बड़ी है। अगर आप ला सकते हैं तो बेटी के लिए ऐसा पति ला कर दीजिए। मैं एक ड्राइवर की हैसियत से नहीं, इस परिवार के वफादार नौकर की तरह कह रहा हूँ। अगर यह गलत है तो मुझे माफ करना मालिक। आज वो रहेगा या मैं रहूंगा? छोड़ो मुझे, पागलों के क्या कर रहे हैं? छोड़, आज धनराज की खैर नहीं, उसने मुझे गैरत को ललकारा है, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब तक उसको मार नहीं दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। पागलों के, मारूंगा काटूंगा कहकर सड़क में उतर आए हो? उसे मारकर तुम तो जेल चले जाओगे, लेकिन मेरी बहन का क्या होगा? कभी सोचा है?
सुनो सुनो, पत्नी हमारे मरने पर रोने के लिए नहीं है, हम अच्छे रहे तो सब अच्छे रहेंगे, समझे? चलो जाओ, ले जाओ इसे, चलो। राजा, गुरुजी तुम्हारे भगवान हो सकते हैं, लेकिन एक पत्नी के लिए पति ही भगवान होता है। उस दिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता, इस डर से रानी ने झूठ बोला, लेकिन उसके मन में गुरुजी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, इस बात को समझो। मर्द के लिए माँ बाप भाई बहन सभी होते हैं, लेकिन एक औरत के लिए सिर्फ उसका पति ही होता है। हर पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। रानी ने भी वही किया बेटे। राजा, एक बड़े घर की लड़की हमारे साथ नहीं रह सकती है, यही मैं सोचा करती थी। तुम्हारे जिद के कारण एक महीने की मोहलत मैंने उसे दी, लेकिन रानी ने बहुत जल्द ही साबित कर दिया कि वे गलत थी। उसके व्यवहार ने मेरा मन जीत लिया बेटी। मेरी यही इच्छा है कि वो मेरी बहू बने। तुम उसे मना कर लाओ और उससे शादी करो। डैडी, चलो चलते। कहाँ डैडी? राजा के घर, वही तुम्हारा घर है। डैडी, तेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसके दिल में प्यार जाग उठा है। राजा के पैर धोकर कन्यादान करूंगा बेटी। अपना दामाद ऑटो ड्राइवर है, लोगों को बताने में मुझे कोई शर्म नहीं। चलो बेटी चलते हैं, चलो बेटी, चलो बेटी चलते। अपनी बेटी रानी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सूर्या, राजा मुझे किसने बुलाया है? बाहर जाना है। कहाँ? रानी के घर। रानी के घर? उसे मनाकर वापस घर लेके आना है। चाची, मैं आ गई। तिरुपति से कब आई? अभी आई, खुशखबरी सुनकर दौड़ी दौड़ी आई हूँ। खुशखबरी? खुशखबरी? कौन सी? हाँ, आपने ठीक ही कहा था कि रानी यहाँ दो दिन भी नहीं रहेगी। अब मेरी और राजा की शादी होने में कोई रुकावट नहीं है। ऑल लाइन क्लियर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं अब जाकर शादी का सारा इंतजाम करती हूँ। थैंक यू ससमा। रुको राधा, मेरी शादी है, सहेलियों को खबर करना है। राधा, रानी मैं खुद तुम्हारे पास आकर बताना चाहती थी, इतने में तुम ही आ गई। इसी हफ्ते मेरी और राजा की शादी होगी। तुम्हारे यहाँ से जाते ही सासू जी ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। वेडिंग कार्ड छपते ही पहला कार्ड मैं तुम्हें कोला कर दूंगी। अगर तुम यहाँ से नहीं जाती तो मेरी शादी राजा से नहीं होती। तुम बहुत अच्छी हो। मैं चलती हूँ, सहेलियों को खबर करना है। बाय। अरे राजा, रानी तुम्हारे मन की बात जानेगी इसलिए खुद ही आ गई। बिना तुमसे बात के ही वापस चली जा रही है। मिस इंडिया है ना, घमंडी। घमंड नहीं राजा, फीलिंग्स। फीलिंग्स? हाँ राजा, मेरी और तुम्हारी शादी जल्दी होने वाली है, उसके मुंह पर ही कह दिया। इस बात से दुखी हो गई और चली गई अपने रास्ते। ए, तेरी मेरी शादी है किसने कहा? चाची जी ने। चाची? चाची जी, चाची जी। ए, तुझे नहीं मालूम मजाक कब करना चाहिए? बेकार में रानी का मूड खराब कर दिया। मेरे बारे में क्या सोचती होगी? छी, चलो। अरे, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। राधा, मुझे रोने दीजिए। राजा के लिए मेरे दिल में जो प्यार बसा है उसे आंसू बनकर बह जाने दीजिए। चाची, जब मैं पूछती थी तो आप कहा करती थी कि राजा की पत्नी तुम ही बनोगी। तब मैं सोचा करती थी मैं इस घर की बहू बनूंगी, लेकिन आपके मन में रानी को बहू बनाने की इच्छा है, यह मैं नहीं जान सकी। चाची, रानी इस घर से चली गई, लेकिन राजा के दिल से अभी तक नहीं गई। चाची, मुझे इसी लड़की को राजा की पत्नी बनने की इच्छा रखना गलत तो नहीं है ना? हाँ, पर राजा जैसे अच्छे इंसान की जिंदगी में रानी जैसी सुंदर और सुशील लड़की का पत्नी बनकर आना ही ठीक है। तुम क्या कहते हो?
चाची, मायके के पास ही ससुराल बसाने की इच्छा, अपनी पसंद की लड़की से शादी होने की तमन्ना, ये सब मेरा भ्रम और पागलपन था। बहुत बड़ी पगली थी मैं, क्या क्या सोच लिया था मैंने, मैं राजा, राजा मैं और तुम। लेकिन रानी, मैं फिर से तिरुपति जाकर उन दोनों की शादी के लिए प्रार्थना करूंगी। राजा की आदर्श शादी होने वाली है कि जानते ही रानी बेटी कहीं चली गई। शादी वादी कुछ नहीं, उसने सताने के लिए कहा होगा। शादी वादी कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। बेटी, अगर तुम मुझे माफ करोगे तो यही ऑटो ड्राइवर मेरा दामाद है कहकर तुम्हारे पैर धोकर कन्यादान करूंगा। रानी को बचा लो बेटी, प्लीज। रानी से आप जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर हमारा प्यार सच्चा है रानी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे लाऊंगा। जल्दी बैठो और तेल। स्पीड अप। मेरी बात मानो, चलो। रानी तुम बस उतरो। बहुत मार खा चुका हूं, अब और मुझे मत मारो। मिस इंडिया तुम्हारी है, तुम ही उसे ले जाओ। ऑल द बेस्ट। रानी तुम क्या कर रही हो, बाहर निकलो। रानी मेरी बात सुनो, राधा ने तुमसे मजाक किया था, मेरी बात सुनो। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या कर रही हो, मरना चाहती हो? यस आई वांट टू डाई। मरना चाहती हो? हां तो अंदर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। चलो अंदर बैठो। Oh, my God.
क्यों मरना चाहती थी ना, अब क्या हुआ, डर लग रहा है? हाँ हाँ मैं डर गई थी, लेकिन अपनी मौत के लिए नहीं। क्या तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या कहा फिर से बोलो। I love you। मेरा भी तो यही कहना है। प्यार करते हो तो राधा से शादी करने के लिए क्यों तैयार हुए? हे भगवान, मैं राधा से शादी नहीं कर रहा। फिर वो शादी का पंडाल? गांव में किसी की भी शादी होगी तो मेरी शादी है क्या? तुम्हारे घर के सामने है ना? वो मेरे गुरु की बेटी की शादी है। रियली? रियली? देखो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, अपने गुरु जी की कसम खाता हूँ, अगर फिर भी विश्वास न हो अपनी कुमारी की कसम खाता हूँ। I'm sorry। I love you। ए, ऐसा प्यार होता है क्या? बाव में आना। ओह राजा, I love you so much until death I'll not leave you। इंग्लिश में बात करती हो क्या? देखो मेरी इंग्लिश एकदम टॉप से टॉप की है, सुनो। I love English, I talk English, I kiss English, I...